यहाँ रखने के लिए नहीं, आप लेने के लिए नहीं। ये खास तौर पे 11 से 12 वाला जो सिस्टम चल रहा है ड्रामा, आजूज माजूज जो है दो हैं, ये तो लपेट देते हैं एक घंटे में सारे ना। अब निशानियां हैं कि मैं अल्ताफ हुसैन को किलर कहता हूं, अल्ताफ हुसैन की पार्टी को मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता हूं। बाल लगवाते फिर रहे हैं सारे भाई, क्या लड़कियां फंसानी है, क्या करना है, क्यों बाल लगवा रहे हो? उनको भी दो घंटे के लिए कराची की पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो 9/11 के ट्विन टावर को गिराने की जिम्मेदारी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दो घंटे से पहले कबूल कर लेगा वो। कभी झूठ ना बोलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने देख लिया होगा एमकेएम की तरफ से मुफसल जवाब आ चुका है। सबसे पहले फैसल सब्जवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद एमकेएम के लीडर अल्ताफ़ हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जवाब दिया, बयानात भी दिए। एमकेएम के जवाब के तनाजर में हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। एमकेएम की तरफ से जो जवाब आया है उनके ख्याल के मुताबिक शायद ये जवाब मुअस्सर है। क्या ये जवाब उन तमाम खदशात को, उन तमाम इल्जामात को, और जो एमकेएम के बारे में परसेप्शन बना हुआ है, और जो जुल्फकार मिर्जा के बयानात के बाद जो परसेप्शन री इन्फोर्स हो गया है, क्या ये तमाम जो बयानात आए हैं ये उनको जायल कर देंगे, उन इल्जामात का जवाब दे देंगे या नहीं? एमकेएम के संजीदा तरीन चैलेंजेस के ऊपर आज का तजिया हमने तरतीब दिया है। एमकेएम के संजीदा तरीन चैलेंजेस हैं क्या? आज के तजिये में हम आपको बताना चाहते हैं कि एमकेएम के सामने पांच बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनके पांच मुख्तलिफ जाविये हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज एमकेएम के सामने इस वक्त मौजूद है, जिसका बहसियत सियासी जमात उनको संजीदगी से और डिस्पैशनेटली जायजा लेना चाहिए, वो ये कि दहशतगर्दी और एमकेएम के हवाले से जो एक परसेप्शन बन गया है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। इसमें एक वजाहत जरूरी है कि जब तजिया निगार या नकाद एमकेएम और दहशतगर्दी की बात करते हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि तमाम के तमाम लोग जो 27-28 लाख के करीब जिन्होंने वोट डाला है एमकेएम के लिए वो इसी कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं। एक पॉलिसी के हवाले से ये इल्जामात लगते हैं जो एमकेएम से मंसूब की जाती है। तो दहशतगर्दी और एमकेएम आज के इल्जामात के हवाले से ये मामला सामने नहीं आया, इससे पहले बहुत मरतबा ये इल्जामात लगते रहे हैं। एमकेएम की तरफ से जो जवाब आया है वो ये है कि ये इल्जामात चूंकि इतने अरसे से लगते रहे हैं लिहाजा इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये इल्जामात सिर्फ एक सोर्स की तरफ से अब नहीं आ रहे, मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से आ रहे हैं। तो वैसे सियासी जमात एमकेएम को संजीदगी से इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इन इल्जामात को रद्द करने का बेहतर और मौसर तरीका हो क्या सकता है। और फिर ये भी जहन में रखना चाहिए कि इल्जामात ही नहीं है एमकेएम के केस के अंदर, बिलखसूस ये हुआ है कि मालूमात भी इल्जामात के साथ सामने आई हैं। अजमल पहाड़ी की रिपोर्ट जिसके ऊपर बहुत बहस होती रही है और होती रहेगी, 2010 से रिपोर्ट जो है दिस इज होल्डिंग द फील्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन मौजूद रही है, इसके हवाले आज बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। एमकेएम की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है, कहा गया है कि इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट जो है इसको आप अक्सर इस तरीके से भी रद्द नहीं कर सकते कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इससे मुंसलिक हैं, जिसके अंदर ISI मौजूद है, जिसके अंदर MI मौजूद है, जिसके अंदर CID मौजूद है, इसके अलावा सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, सात इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान ने इस रिपोर्ट के ऊपर अपने दस्तखत सब किए हैं और रिपोर्ट इंतहाई मुफसल है। अजमल पहाड़ी की जो इंटेरोगेशन की जो वीडियो है वो भी इस वक्त YouTube के ऊपर मौजूद है, कुछ झलक आप इस वक्त देख रहे होंगे, YouTube से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हर जगह पर ये मौजूद है। इसके हिट से आपको अंदाजा होगा कि इसके ऊपर कितने लोगों ने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। इंटरोगेशन रिपोर्ट जो है वो तफसील से बयान करती है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या ये आम सा फर्द है, इसने पहले जुराम किस तरीके से किए, इसने किन किन लोगों के साथ रबता रखा, गिरफ्तारी की तारीख भी बताई गई, इब्तदाई हालात जिंदगी भी बताई गई, एमकेएम के अंदर इसकी शमूलियत किस तरीके से हुई, और फिर इंडिया के अंदर ट्रेनिंग अजमल पहाड़ी की किस तरीके से हुई, ये वीडियो के अंदर भी उसके कन्फेशंस मौजूद हैं जिसको एमकेएम ने रद्द किया, और उसके अलावा जो ये रिपोर्ट है
जिसको खुफिया मार्क किया गया है उसके अंदर भी बताया गया किस तरीके से हिंदुस्तान गया दिल्ली से 5 घंटे के मुसाफत पर या 3 घंटे की मुसाफत पर, एक जंगल था जहां पर उसकी ट्रेनिंग हुई, वहां पर 6 महीने ये मौजूद रहा। इंडियन इंस्ट्रक्टर्स के नाम दिए गए इस रिपोर्ट के अंदर, और दौरान ट्रेनिंग क्या क्या बताया गया, किस किस्म का लिटरेचर दिया गया, इंडिया से पाकिस्तान वापसी किस तरीके से हुई, शकरगढ़ के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, यहां से फिर लाहौर और ट्रेन के जरिए कराची में दोबारा गए, और फिर 1986 से लेकर 2000 तक 53 अफलाद की कत्ल की कार्रवाइयां मुफसल अंदाज से बयान की गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। कत्ल का जो कैटलॉग है वो इंतहाई संजीदा है, और अगर आप इस रिपोर्ट को तफसील के साथ पढ़ें तो बाज़ पेजेस के ऊपर एमकेएम के हवाले से इल्ज़ामात जो हैं वो इंतहाई संजीदा नौइयत के बन जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जो नेटवर्क है मुबैना तौर पर एमकेएम के अंदर इस रिपोर्ट के हवाले से, उसके अंदर 3-4 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप का काम जो है वो एमकेएम हकीकी के लोगों को मारना है, एक ग्रुप का काम जो है वो पश्तूनों को मारना है, एक ग्रुप का काम जो है वो पुलिस वालों को मारना है, और एक ग्रुप का काम जो है जो इसको मुल्ला ग्रुप कहा जाता है यानी मजहबी लीडरान को मारना है। एमकेएम के इसके ऊपर एतराजात रिपोर्ट को रद्द करने की एक वजह यह भी है कि इसके अंदर उनके टॉप लीडर्स के नाम भी दिए हुए हैं 2005 के बाद जो कत्ल की वारदातें की गई हैं, और ये रिपोर्ट भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, इसके ऊपर खबरें बन चुकी हैं। 2010 में जब ये पहली मरतबा सामने आई तो अखबारात के अंदर इसके ऊपर मुफसल मकाले भी छपे और रिपोर्टिंग भी हुई। इस रिपोर्ट के अंदर जो मेंबर है कौमी असम्बली के हैदराबाद रिजवी, उनके हवाले से बताया गया कि 10 मुहर्रम 2009 को जो एक इजलास हुआ था और उसके बाद मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस था उसके ऊपर धमाका हुआ था, तो उसके बाद जो हंगामा आराई हुई मुबैना तौर पर हैदर अब्बास रिजवी उसको सुपरवाइज कर रहे थे। ये अजमल पहाड़ी के कन्फेशन के अंदर ये इल्ज़ाम जो है वो मौजूद है। हिट लिस्ट के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, सेनेटर फैसल रजा आब्दी का नाम है, कादर पटेल का नाम है, अगर सराज दुरानी का नाम है, शाही सैयद का नाम है, और सुन्नी तहरीक के लोग हैं, लियारी गैंगवार के लोग हैं, पीपल अमन कमेटी के लोग हैं, ANP के लोग हैं। और इससे भी अहम और संजीदा तरीन जो इल्ज़ाम इस रिपोर्ट के अंदर आयद किया गया है वो है कि जो सेटअप मुबैना तौर पर है जिसके अंदर मोहम्मद अनवर लंदन सेक्रेटेरिएट से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अनीस कायम खानी साहब जो हैं वो 90 में मौजूद हैं, हैदराबाद रिजवी, लियाकत कुरैशी और शकील उमर, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जो जिनके पास हिट लिस्ट हैं उनको ये बाकायदा सुपरवाइज करते हैं। अब ये जो इल्ज़ाम हैं एमकेएम ने उनको रद्द तो कर दिया है, लेकिन ये रिपोर्ट खाली पसमंजर के बगैर नहीं है। आपने देखा होगा कि 12 मई के वाकयात के अंदर जो कराची के अंदर कत्लोगारतगरी हुई, एमकेएम का उसके ऊपर रद्देमल ये रहा है कि हमारे लोग इसके अंदर मारे गए, हमसे ज्यादती हुई है। लेकिन अगर आप बहुत फराख दिली से भी 12 मई के वाकयात का तज़िया करें तो आपको कम से कम ये यकीन मानना होगा कि एमकेएम के पास शहर का कंट्रोल मौजूद था, 12 मई को वहां पर पुलिस का निशान मौजूद नहीं था, एमकेएम के पास शहर मौजूद था, तो जिसके पास शहर मौजूद होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस वक्त की जो वीडियोस मौजूद हैं जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं और उस हवाले से जो एक परसेप्शन एमकेएम का बना था, ये रिपोर्ट अब उस तनाजर में देखी जा रही है, और इस वजह से इस रिपोर्ट की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको आप रद्द यकसर नहीं कर सकते। एमकेएम की तरफ से जो रद्द अमल आया उसकी झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। जहां तक अजमल पहाड़ी का ताल्लुक है, अजमल पहाड़ी को सन 2000 में भी गिरफ्तार किया गया था और सरकारी टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाकर उस वक्त की GIT पढ़ लें, 100 अफराद के कत्ल को कत्ल करने का इतराफ कराया गया था, और अब भी यह कहा जा रहा है कि अजमल पहाड़ी ने 100 अफराद को कत्ल किया और उसका इतराफ किया है, और इसने भारत से ट्रेनिंग हासिल की है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में तफ्तीश के लिए तशद्दुद के कौन कौन से तरीके को इख्तियार किया जाता है और किस तरह हाथी को हिरन बनाकर पेश किया जाता है, कि जो साहब
ये जीआईटीज पेश कर रहे हैं, अगर उनको भी दो घंटे के लिए कराची की पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो 9/11 के ट्विन टावर को गिराने की जिम्मेदारी मैं गारंटी के साथ कहता हूं दो घंटे से पहले कबूल कर लेगा वो। ये बात अपनी जगह पर शायद दुरुस्त हो, लेकिन जो जीआईटी की रिपोर्ट है उसके अंदर पुलिस का इतना असर रसूख हमें नजर नहीं आता जितना दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नजर आता है। और फिर साथ ये भी बात जहन में रखी गया कि डीजी रेंजर्स ने ऑलरेडी जीआईटी की रिपोर्ट को रेफर किया है, जरा जीआईटी की रिपोर्ट के ऊपर डीजी रेंजर्स की बात सुनते हैं। असला जो है वो जो देसी असला बनता है वो आपको पता है कि किसी भी मुल्क में बन सकता है, लेकिन जो बाहर से असला आता है इसके लिए ये तो 2+2 वाली बात है कि स्मगल होके आता है। और कहां से आता है, किन लोगों के तलकात हैं, मैं इसकी ज्यादा तफसील नहीं मैं जाना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि आपने अजमल पहाड़ी के सिलसिले में जो उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट जीआईटी की जो सामने आई है, सबके यूट्यूब पे भी आप लोगों ने देखी है, उसमें ये एडमिट किया है उस मुजरिम ने कि मैं इंडिया से तरबियत याफ्ता हूं। तो मेरे ख्याल में ये जो इस तरह के मामलात हैं वो हमें बड़े क्लियर हैं कि कहां से क्या कुछ हो रहा है। आपने ये साउंड सुनी, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जीआईटी की रिपोर्ट के कंटेंट के ऊपर वो वर्जन जो इंटरनेट पर भी मौजूद है और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, महज डिनायल के साथ या ये कहना कि ये रिपोर्ट हम अक्सर रद्द करते हैं बात नहीं बनेगी। सिर्फ एक ही तरीका क्या है कि जिन इदारों ने ये रिपोर्ट तरतीब दी है और जिस अदालत के सामने ये रिपोर्ट पेश हो चुकी है, अगर वो इसकी तहकीक करके या वो इदारे अपने तय इसको रद्द कर दें तो शायद बात बन जाए, वरना ये मामला सिर्फ डिनायल के जरिए हल नहीं होगा। ये बड़ा संजीदा चैलेंज है, इसको लफाजी के जरिए आप काउंटर नहीं कर सकते। स्टेट्यून राजनी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एमकेएम के दूसरे संजीदा तरीन चैलेंजेस के ऊपर आपसे कुछ इश्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे।